क्या ही हफ्ता रहा है यार ई-स्पोर्ट्स के लिए, एकदम माइंड ब्लोइंग, एकदम झकास। एक तरफ लीग ऑफ लेजेंड्स वर्ल्ड्स रिकॉर्ड तोड़ रहा है, दूसरी तरफ BMPS आने की खुशी में टीम्स एक दूसरे को तोड़ रहे हैं, और एपिक गेम्स OG फोर्टनाइट वापस ले आके पूरे इंटरनेट को ही तोड़ रहा है। भाई इंडियन रैपर रफ्तार अब किक पे, VCT गेम चेंजर्स चैंपियनशिप और स्काई स्पोर्ट्स लीग के सारे चर्चे एंड द गेम अवार्ड्स की सारी खबरें, धमाकेदार एपिसोड होने वाला है। मैं हूं राहुल इंदुजा, ये है ई-स्पोर्ट्स दिस वीक पावर्ड बाय ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स। यार पिछले काफी एपिसोड से आपका कंप्लेंट रहा है कि हम BGMI और वैलोरेंट छोड़ के बाकी कुछ कवर ही नहीं करते। ये फीडबैक इस हफ्ते मैंने दिल पे ले लिया और सोचा कि भाई आज सब कवर करेंगे। शुरू करते हैं आज का एपिसोड इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के फाइनल्स के साथ। 53 करोड़ पीपल सॉ दिस मैच लाइव। भाई बहुत दुख होता है टीम इंडिया के लिए 10 में से 10 मैचेस जीतने के बाद फाइनल में ये हालत हो गई यार। लेकिन ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट द एंड फॉर द टीम। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया और आने वाले इवेंट्स में इंडियन क्रिकेट टीम और भी अच्छा परफॉर्म करेगी। अभी बढ़ते हैं ई-स्पोर्ट्स की तरफ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। इंडिया के टॉप रैपर रफ्तार अब किक नाम के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ चुके हैं। जाहिर सी बात है उनके ये मूव ने सबको चौंका दिया, लेकिन रफ्तार क्यों? क्या कोई नया एल्बम को प्रमोट करने का प्लान है, या फिर थोड़ा BGMI हो जाए स्क्रीन पे? ये एक ब्रांडेड एंगेजमेंट है किक के पेरेंट कंपनी स्टेक के साथ। रफ्तार ने ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान स्टेक को अपने सोशल्स पे भी प्रमोट किया है। इससे ज्यादा इस पे कुछ नहीं कहूंगा, आप समझ जाओ यार। देखो रफ्तार जैसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स के ओपिनियन से हमारी गेमिंग ऑडियंस पे बहुत असर पड़ता है ना। सही तरह से कोलैब्स हुए तो रफ्तार का ये कदम इंडियन मार्केट में, इंडियन मीडिया और एंटरटेनमेंट में एक नया पॉजिटिव ट्रेंड लेकर आ सकता है। एंड आई होप उनके जैसे और आर्टिस्ट अपनी इनोवेशन, अपनी म्यूजिक, अपनी कला दिखाएं, स्ट्रीमिंग का सही फायदा उठाएं। वेलकम टू किक रफ्तार। वैसे इस हफ्ते पॉपुलर फोर्टनाइट स्ट्रीमर टीफू भी किक के साथ जुड़ चुके हैं। 5 महीने के एब्सेंस के बाद उन्होंने अपने ट्विटर पे एक वीडियो डाला, वेलकम बैक टीफू। जब से OG फोर्टनाइट लौट के वापस आया है सारे पुराने लोग एक्टिवेट हो गए हैं यार। ऑल टाइम प्लेयर रिकॉर्ड तो टूटे ही, 6.2 मिलियन पीपल प्लेड एट वंस ऑन वन डे। एंड कैन यू बिलीव फोर्टनाइट तो अभी iOS पे अवेलेबल भी नहीं है, मतलब ये तो सिर्फ एंड्रॉइड PC कॉन्सोल्स उन सब की व्यूअरशिप है। प्लेयर्स तो अब एपिक गेम्स को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि OG फोर्टनाइट को परमानेंट मोड बना दो यार। एनीवे ये तो पहला डेवलपर नहीं होगा जो पुराने कॉन्टेंट फिर से स्मार्ट तरीके से पब्लिश करके पोस्ट कर रहा है। ब्लिजर्ड ने भी वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट क्लासिक के साथ यही किया था, लेकिन वो अलग ही कहानी है। एनीवे फोर्टनाइट में इस हफ्ते एक और कोलैब देखने मिला F1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन के साथ। इसके लिए एक लाइव एक्शन ट्रेलर रिलीज हुई है और साथ साथ ढेर सारे इन गेम स्किन्स भी। लुइस हैमिल्टन अब फोर्टनाइट के आइकॉन सीरीज का हिस्सा बन चुके हैं, अलॉन्ग विद पॉप कल्चर जायंट्स जैसे कि आरियाना ग्रांडे, मिस्टर बीस्ट, ट्रैविस स्कॉट। अगला कौन होगा कमेंट्स में इस पे सोच विचार करो, मुझे बताओ। आगे बढ़ते हैं द गेम अवार्ड्स। 10th एनुअल अवार्ड सेरेमनी चल रही है, 7th दिसंबर को होने वाला है इनफैक्ट ट्विच यूट्यूब पे। गेम ऑफ द ईयर कैटेगरी में द लेजेंड ऑफ जेल्डा और बाल्डर्स गेट 3 जैसे एक्सपीरियंस्ड एक्सपेक्टेड हिट्स हैं। एंड ई-स्पोर्ट्स के कैटेगरी को देखा जाए तो बेस्ट ई-स्पोर्ट्स गेम में काउंटर स्ट्राइक 2 है, डोटा 2 है, लीग ऑफ लेजेंड्स है, BGMI का बड़ा भाई PUBG मोबाइल है और वैलोरेंट भी नॉमिनेट हुआ है। बेस्ट एथलीट देखा जाए तो ज़ाइबू, डीमन 1, हाइड्रा, रूलर और फेकर, ये सब तो अपने अपने गेम्स में लेजेंड स्टेटस पहुंच चुके हैं। लेकिन इस हफ्ते वर्ल्ड 2023 को जीतने के बाद फेकर तो ई-स्पोर्ट्स के अनडिस्प्यूटेड गोट बन चुके हैं यार। There have been many great rookies over the years, but there has only been one Faker. अगला है बेस्ट ई-स्पोर्ट्स टीम का कैटेगरी और यहाँ पे EG, Fnatic, Game & Gladiators, JD Gaming और Team Vitality नॉमिनेट हुए हैं। कौन जीतेगा प्रिडिक्ट करना काफी मुश्किल है क्योंकि इन सारे टीम्स ने बहुत कुछ अचीव किया है इस साल। नेक्स्ट अवार्ड है बेस्ट ई-स्पोर्ट्स कोच, जिसमें EG Valorant रोस्टर के कोच पॉटर भी नॉमिनेट हुए हैं, जोनिक, गुनबा, XTQZ, होम के साथ। इन कोचेस ने अपनी टीम्स को ग्लोबली स्पोर्ट्स में टॉप पोजिशंस दिलवाए और सबको है कि सक्सेस सिर्फ इन गेम स्किल से ही नहीं बल्कि सही गाइडेंस से भी आ सकती है यार। गेम अवार्ड्स का लास्ट ई-स्पोर्ट्स कैटेगरी है बेस्ट इवेंट का। लीग ऑफ लेजेंड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप पेरिस मेजर 2023, ईवो 2023, डोटा 2 का TI 2023 और मेरा सबसे फेवरेट वैलोरेंट चैंपियंस। यार
क्या माहौल था उधर। वैसे प्रेडिक्शंस कमेंट्स में दे दो, 7 दिसंबर को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वैसे वैलोरेंट के डिस्कशंस हो ही रहे हैं, इंडियन वैलोरेंट में भी बहुत सारे अपडेट्स हैं मेरे पास आपको देने के लिए। कॉमिक कॉन में दी अरीना चैंपियनशिप खत्म हो चुका है, जिसके विनर्स हैं रेकनिंग ईस्पोर्ट्स। फाइनल्स में ट्रू रिपर्स को 3-1 से हराया, कंग्रेचुलेशंस। वैलोरेंट ऑफ सीजन धमाकेदार तरीके से शुरू होने वाला है, लॉट्स मोर ऑन दिस इन द कमिंग एपिसोड। तो 2024 में क्या क्या होने वाला है वो सब भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रीमियर से टॉप टूर्नामेंट्स का रास्ता खुल रहा है और ये सब शुरू होगा एपिसोड 8 के प्रीमियर सीजन से। प्लेयर्स को मिनिमम इमॉर्टल 3 की रिक्वायरमेंट है। एक और रिक्वायरमेंट है, चैलेंजर्स लीग में खेलने के लिए कम से कम 16 साल का होना जरूरी है, और अगर आप करंटली एक प्रो रह चुके हो तो प्रीमियर में खेलने की परमिशन नहीं है। जनवरी 10th 2024 एपिसोड 8 एक्ट 1 शुरू हो जाएगा, उसके पहले इमॉर्टल 3 का ग्राइंड पूरा करना ही है। ओके, क्योंकि भाई ज्यादा टाइम नहीं बचा। आगे बढ़ते हैं लीग ऑफ लेजेंड्स 2023 वर्ल्ड की तरफ। T1 और वेबू की मैच, भाई व्हाट अ मैच, रिकॉर्ड्स टूट गए इस हफ्ते। ईस्पोर्ट्स चार्ट के हिसाब से 6.4 मिलियन तक पहुंची वॉचिंग। व्यूअरशिप को बढ़ाने में इबाई केड्रिल जैसे बड़े बड़े स्ट्रीमर्स का हाथ भी था, और ये तो सिर्फ ग्लोबल फिगर्स है, चाइना का डेटा तो इसमें शामिल भी नहीं है। भाई T1 ने स्टेज पे दिखा दिया कि उनमें अभी भी वो बात है जो बैक इन द डेज वीबो को पूरी तरह से 3-0 से आउटक्लास किया। ऐतिहासिक दिन था ईस्पोर्ट्स के लिए, फेकर ने अपना फोर्थ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता। व्हाट अ गोट मैन, ही इज डन इट 3 टाइम्स, दिस इज द फर्स्ट टाइम एंड ही विल होस्ट इट फॉर द फोर्थ। कंग्रेचुलेशंस फेकर, ये ट्रॉफी आपके मेहनत और कंसिस्टेंसी का सबूत है। भाई आपके एग्जाम्पल से लाखों करोड़ों लोग इंस्पायर होके ईस्पोर्ट्स में घुसेंगे यार, इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है ना। अगला हमारे रेडार पे है इंडिया का सबसे चहीता बैटल रॉयल गेम BGMI। क्राफ्टन ने BMPS की ऑफिशियल अनाउंसमेंट करके कम्युनिटी में हलचल मचा दिया यार। ये एक इन्विटेशनल रहने वाला है और साल भर के सबसे टॉप परफॉर्मिंग टीम्स इस इवेंट में खेलेंगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आधे से ज्यादा टीम्स अब अपने रोस्टर्स बदलने में लगे पड़े हैं। क्योया की बात की जाए तो वो अब खेलेंगे बिग ब्रदर में। 8-bit को BMPS में स्लॉट नहीं मिला। को BMPS का इनवाइट नहीं मिला? नो, नॉट येट हिमांशु भाई। 8-bit का क्या हुआ? 8-bit का गाइस देखो, अभी बहुत टाइम से 8-bit ऑफिशियली कहीं क्वालिफाई नहीं कर रहे थे, एंड मतलब बहुत ऐसा हो रहा था, तो अभी शायद BMPS तक तो 8-bit उनकी लीग ऑफ टीम ने साफ साफ क्लैरिफाई कर दिया है कि प्लेयर्स सिर्फ एक ही ऑक से खेल सकते हैं, क्योंकि भाई मल्टीपल ऑक से रजिस्टर करोगे तो कौन सी टीम खेलेगी, कौन सी टीम को स्लॉट नहीं मिलेगा, ये बात अभी पक्की नहीं हुई है। अगले एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। BGMI की दुनिया से जुड़े सबसे चहीते स्टार जॉनथन अब रेडबुल प्लेयर बन चुके हैं। थोड़े ही दिन पहले टेक्नो गेमर्स के साथ स्ट्रीम पे ये अनाउंसमेंट हुई। नेक्स्ट लेवल अफ्रीकन कैप माय फ्रेंड, आ जाओ लेट्स गो भाई, कुछ अलग ही लग रहा है वे। तुम बन चुके हो रेडबुल प्लेयर, ये एक लैंडमार्क मोमेंट है इंडियन ईस्पोर्ट्स के लिए, और जैसे जैसे ईस्पोर्ट्स मेनस्ट्रीम बनता रहेगा ऐसे और भी पार्टनरशिप्स दिखते रहेंगे, इंडियन ईस्पोर्ट्स के फ्यूचर को शेप अप करते रहेंगे। भाई बहुत ही बड़ा रोल प्ले होगा, है ना। कंग्रेचुलेशंस MVP मैग्नेट। वैसे BGMI को लेके इस हफ्ते और ड्रामा था, पोचिंग वोचिंग वगैरह रिलेटेड फिर से भसड़ मची। रेवेनेंट के फाउंडर रोहित जगासिया ने इसके बारे में ट्विटर पर बवाल मचाया, यार एक ही बिनती है ऑग से, ये पोचिंग वोचिंग से दूर रहो यार। वैसे स्काई स्पोर्ट्स लीग भी आ रहा है, और करण पाठक सर के मुताबिक आगे से जितनी टूर्नामेंट्स होगी उसमें मिनिमम 2000 टीम्स ओपन हर टीओ को रखना पड़ेगा, एंड दे गेट मच मोर अपॉर्चुनिटी इन
ऑल द टूर्नामेंट्स करेंगे, मजा बड़ा आएगा। इस हफ्ते रेडबुल एमईओ का लैन खत्म हुआ, सेल्सियस ईस्पोर्ट्स इवेंट जीत चुका है, ओरंगुटान आया सेकंड और असला आए थर्ड। कंग्रेचुलेशंस टू दीज विनर्स। यार रीजनल टूर्नामेंट्स तो ढेर सारे चल ही रहे हैं ना, लेकिन ग्लोबल कॉम्पिटिशन में बीजीएमआई टीम्स के लिए आगे जगह बनेगी या नहीं, ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। इंडियन कम्युनिटी के सारे होप्स और ड्रीम्स इसी से जुड़े हैं। आई होप क्राफ्टन ने अगले साल के लिए कुछ मस्त प्लान किया हो। यार ईस्पोर्ट्स इंडिया में तेजी से उभर रहा है, यहाँ की यंग पॉपुलेशन, मोबाइल गेमिंग की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में होने वाले सुधार ने इंडिया को एक सीरियस कंपेटिटर बना दिया है, पता है। और ये सब ग्लोबल ईस्पोर्ट्स लैंडस्केप में। देखो इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बहुत पोटेंशियल है, चाहे वो ईस्पोर्ट्स में हो या फिर कॉन्टेंट क्रिएशन में। सीन तो अब जाके शुरू हुआ है और आगे इसमें ग्रोथ तो होगा ही। इंडिया अब सिर्फ एक इमर्जिंग मार्केट नहीं रहा, ये एक ग्लोबल सुपर पावर बनाने की राह पे निकल पड़ा है और दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। बस जॉनथन जैसे और रोल मॉडल्स की जरूरत है यार। आने वाले सारे अपडेट्स आपको ईस्पोर्ट्स दिस वीक देते रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ठोकना और नहीं अच्छा लगा तो कमेंट्स में अपनी राय हमें दे देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। चलो बाय।